गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हजरत मुहम्मद पैगंबर होए ने ते उना दे इक्को ही दमाद सीगे, उना दा हजरत अल्लाह नाम सी ते अगो उना दे बेटा सी जिहड़े के हजरत मुहम्मद दे दूतरा सीगे हसन हसैन। घर दे विच अल्लाह दी बंदगी वाला माहौल सी ते उस माहौल तो हसन ने बहुत कुछ सीख्या ते चार नमाज़ां करता सीगा, जोहर दी नमाज, असर दी नमाज, मगरब दी नमाज ते शाम दी ईशा दी नमाज। छोटा बच्चा सीगा ते जिहड़ी अमृत वेले दी नमाज हुंदी है फजर दी नमाज उह नहीं सी कर पांदा। ते एक दिन हजरत नूं कहन लगा कि हजरत मैं तुहाडे मूँह अमृत वेले दी नमाज दी फजर दी नमाज दी बड़ी महिमा सुनी है ते कल तुसी मैनूं अपने नाल फजर दी नमाज लई नाल लेके जाना। ते हजरत साहब ने समझाया कि हाले तू बहुत छोटा है, 6 साल दा सीगा हसन हुसैन, हाले तेरी चारा नाल भी गल बन जाएगी। पर बच्चा रोआंसा जिहा हो गया, वह कहिंदा नहीं हजरत, कल तुसी मैनूं सवेरे आप उठाओगे ते आप ही मैनूं नाल लेके जाओगे। सवेर वेले, अमृत वेले, चौथे पैर वेले हनेरा हुंदा है ते बच्चे दा कल्ला जाना भी मुश्किल है। ते जदों हजरत साहब ने देखा कि बच्चा बड़ा रोआंसा जिहा हो गया ते तरस खा के उन्हूं कहंदे ने कि चल ठीक है, मैं तैनूं कल सवेरे नाल लैके जावांगा। मन्निया जांदा है कि अमृत वेले दा जिहड़ा नाम है किसी भी तरह दे विच उहदी बहुत महिमा है। इत्थों तिकन कि शेख सादी जिहड़े सूफी फकीर होए ने उन्होंने भी इत्थों तिकन कहा है कि जदों तिकन किसी ने अपना दिन बादशाहां वांग बतीत करना है ते उहदे लई इह लाजमी है कि वह रात के चौथे पैर उठ के जिन्हों के अमृत वेला कहा जाता है, जदों तिकन अल्लाह दे अगे परमात्मा दे अगे भिखारी नहीं बनता तो वह बादशाहां वाली जिंदगी जिहड़ी है वह नहीं जी सकता। अगले दिन हजरत ने उन्हों हसन हुसैन नू आप उठाया ते अपने नाल उन्हों मॉस्क लेके गए ते जदों उत्थे जाके फजर दी नमाज कीती ते हसन नू बड़ा रस आया, बड़ा डुब गया। अरब देश सीगे, जदों वापसी दे उत्ते आए ते देखिया हसन ने के गर्मी बड़ी हुंदी है ते सारे लोग जिहड़े सीगे कोई छत्तां ते सौ रहे सीगे ते कोई चबूतरियां ते सौ रहे सीगे। चौथे पैर क्योंकि रेत हुंदी है ठंडी जल्दी हो जांदी है ते हवा वगदी हुंदी है उस वेले ते मिठा मिठा मौसम हुंदा है ते उस वेले दी जिहड़ी नींद भी हुंदी है वह गहरी हुंदी है। ते जदों हसन ने सारे लोगों नूं छत्तां दे उत्ते चबूतरियां दे उत्ते सुत्तिआं देखिआ ते हजरत नूं कहन लग्या, हजरत देखो किन्ने मूर्ख लोग ने, अल्लाह अपनी नियामतां दी बरसा कर रहा है और यह मूर्ख कमबख्त सुते हुए ने। ते हजरत ने उन्हों अगों जवाब दिता कि हसन, एक दिन तो सिर्फ फजर दी नमाज कीती है ते तू इन्हां नूं मूर्ख कहन लग पिया वै, इन्हां ते ते तैनूं तरस आना चाहिए है, तेरे ते अंदर इन्हां लई दया आनी चाहिए है। इस तरह अक्सर ही हुंदा है कि भावें असी उस परमात्मा की रहमत नाल जे कुछ अपनी जिंदगी च पा लैने या किसी मुकाम ते पहुँच जाने या कोई एहोजा रूहानी एक्सपीरियंस लै लैने ते असी सोचते हैं शायद जेडे एदे तो वांझे ने ओ नीवे हो गए ने ते असी उच्चे हो गए ने, एंड दैन वी ट्राई टू कन्विंस अदर्स एंड वी ट्राई टू बिलिटल अदर्स। बट ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट द मोमेंट द मिनट यू ट्राई टू बिलिटल द अदर्स और यू थिंक दैट यू हैव डन समथिंग ग्रेटर दैन द अदर पीपल, दैन इट इज द वेरी सेम मिनट यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर वर्स दैन द अदर्स। एंड सेकेंड लेसन इज अंडरस्टैंड दैट हेयर ऑन प्लैनेट अर्थ वी आर ऑल हेयर टू लर्न सम लेसन।
it might not be the same lesson and it might be that we learn at our individual pace. So never try to belittle others, because indeed you are belittling yourself. Thank you so much for your attention and time.